हेलो एवरीवन वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर माएस मयंक भारद्वाज तो मैं हायर एजुकेशन के लिए वीडियो लेके आता हूँ तो आज मैं क्वांटम मैकेनिक्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके पास 22 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बेस्ड ऑन होंगे आई आई जैम एग्जाम से रिलेटेड जेस्ट से और टी से और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे आपको बेनिफिट हो सके ठीक है तो आपके पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके पास ये क्वेश्चन है ये वाला जो मैंने क्वेश्चन लिखा है पहले क्वेश्चन आ जाएगा फिर उसका सॉल्यूशन किया जाएगा इस सीरीज में अपन आगे बढ़ेंगे तो आपके पास पहला क्वेश्चन आया है ये आपके पास टी से रिलेटेड क्वेश्चन है टी एफ ठीक है इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है आपके पास द वे फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू ए थ्री डायमेंशनल स्पेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल स्पेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल है उस पर आपके पास एक पार्टिकल है उसे सब्जेक्टेड किया गया है ठीक है थ्री डायमेंशनल स्पेरिकल स्पेरिकल सिमेट्रिक सिमेट्रिक पोटेंशियल है ये आपके पास कौन सा है सिमेट्रिक पोटेंशियल है ये आपके पास क्या है पोटेंशियल है वी आर जो किस तरीके से गिवन किया जाता है ये आपके पास है आर वैक्टर ठीक है तो ये आपके पास आर वैक्टर इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड एफ आर ठीक है द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर एल कैप स्क्वायर फॉर दिस स्टेट ठीक है इस स्टेट के लिए जो आपके पास वेव फंक्शन दे रखा है उस स्टेट के लिए आपको क्या निकालना है ऑपरेटर एल वेक्टर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ठीक है एल कैप स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ठीक है तो सबसे पहले मैं वेव फंक्शन लिख लेता हूँ ये आपके पास इस तरीके से है इसके लिए आपको अगर क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन आएंगे तो आपको हाइड्रोजन एटम आप कहीं भी कोई सी भी बुक में देख ले वो हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड आपके पास दो फंक्शन होंगे रेडियल फंक्शन रेडियल फंक्शन और दूसरा फंक्शन होगा आपके पास स्पेरिकल फंक्शन स्पेरिकल हार्मोनिक्स से रिलेटेड फंक्शन होंगे स्पेरिकल हारमोनिक्स से रिलेटेड फंक्शन होंगे किससे रिलेटेड होंगे स्पेरिकल हारमोनिक्स से रिलेटेड होंगे दोनों को कंबाइंड कर कर एक वेव फंक्शन क्रिएट करते हैं अपन ठीक है तो आपके पास स्पेरिकल हारमोनिक्स और आपके पास है रेडियल फंक्शन ठीक है आ, एन इक्वल टू जीरो एन इक्वल टू वन एन इक्वल टू टू एन इक्वल टू फोर तक आप याद कर लीजिए जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो ठीक है राजस्थान में सी की बुक में भी ये, आपके पास रेडियल फंक्शन और स्पेरिकल हार्मोनिक्स के फंक्शन गिवन है हर एक बुक्स में आपके पास बी फाइनल ईयर में मिल जाएंगे ठीक है तो ये देखिएगा इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास वेव फंक्शन ये है आपके पास मैं लिख देता हूँ यह आपके पास क्या है एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जड और ये आपके पास क्या है ये आपके पास एफ आर ठीक है तो ये आपके पास क्या है जो आपके पास वेव फंक्शन मुझे क्रिएट करना है वो आपके पास क्या हो जाएगा वे फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड कर रहा है जेड एफ आर पे मैं जड एफ आर क्यों लिखाऊं क्योंकि जेड एफ आर की वैल्यू क्या होती है आपके पास ये जड की वैल्यू मुझे पता है वो आपके पास होती है थीटा ठीक है स्पेरिकल हार्मोनिक्स में बात कर रहे हैं अपन ठीक है यह आपके पास वैल्यू होती है अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो एक मिनट देखिएगा इसकी वैल्यू की बात करते हैं अपन इस इसकी जो वैल्यू की बात करेंगे वो क्या आएगी आपके पास तो देखिएगा इसकी वैल्यू की बात कर लेते हैं अपन ठीक है तो देखिएगा इसकी वैल्यू की बात करते हैं ये आपके पास क्या हो जाएगा ये आपके पास क्या है ये आपके पास आर्कोस्थिटा है ये आपके पास क्या हो जाएगा स्पेरिकल हारमोनिक्स में वन जीरो से डिनोट करेंगे ठीक है वन जीरो से डिनोट करेंगे ये आपके पास किससे डिनोट करेंगे वन जीरो से डिनोट करेंगे इसको ठीक है इसको वन जीरो से डिनोट करेंगे मैं ऊपर लिख रहा हूँ ठीक है इसको वन जीरो से डिनोट करेंगे अब जैसे कि इसको वन जीरो से डिनोट कर दिया इसको कैसे डिनोट करते हैं स्पेरिकल हारमोनिक्स ये आपके पास है इसको डिनोट करते हैं वाई एल एम थीटा फाई ठीक है, है? इससे रिलेटेड आपके पास है वाई एल एम थीटा फाइव ठीक है ये आपके पास एल और एम की वैल्यू है ये आपके पास क्या हो जाएगी ये एल वन वन की वैल्यू है ये वन और जीरो की वैल्यू होती है भाई आर साइन थीटा किसकी वैल्यू होती है वाई एल जीरो की वैल्यू होती है और इसको कंपेयर करवाओ तो आपके पास एल की वैल्यू वन है और एम की वैल्यू क्या है जीरो वाई एल एम होता है ये आपके पास ठीक है वाई एल एम होता है और एन आपके पास रेडियस फंक्शन से रिलेट करके अपन क्रिएट कर देते हैं ठीक है अब आपके पास क्या हो जाएगा अब आपके पास यहां से एल की वैल्यू वन आ गई तो इसको ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है आपके पास एल एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर तो एल वैक्टर ऑपरेटर की वैल्यू होती है वन इसकी वैल्यू है तो वन वन प्लस वन एच स्क्वायर आपके पास टू एच क्रोस स्क्वायर ठीक है।, है तो ये आपके पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नोट कर लीजिएगा इसको ठीक है नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं जड को ये भी बता देता हूं मैं जड को आर साइन थीटा कैसे लिखा एक्स की वैल्यू क्या होती है आपके पास आर साइन थीटा कोस फाइव ठीक है वाई की वैल्यू क्या होती है आर साइन थीटा साइन थीटा साइनफाइव ठीक है और ये आपके पास जड की वैल्यू क्या होती है आर कोस थीटा ये वैल्यू होती है आपके पास स्पेरिकल वीडियोस देख लीजिएगा इलेक्ट्रो में आपने बना रखी है वीडियोज अट्ठाइस लेक्चर है करीबन उसमें आपके पास छः सात नंबर लेक्चर मिल जाएगा इस्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड ठीक है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड ठीक है वहाँ आप चेक कर लीजिएगा ठीक है इतना नोट कर लीजिए फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है तो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड ये भी आपके पास इसी एग्जाम में आया हुआ है ठीक है तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन कर देते हैं अपन ए फर्मियन ऑफ मास मूविंग इन टू डायमेंशन ठीक है टू डायमेंशनल बॉक्स में आपके पास मूविंग कर रहा है ठीक है तो आपके पास एक फर्मियन है ए फर्मियन ऑफ मास एम मूविंग इन मूविंग टू टू डायमेंशनल, ठीक है इज स्ट्रिक्टली कन्फाइंड इनसाइड ए स्क्वायर बॉक्स स्क्वायर बॉक्स ऑफ लेंथ एल ठीक है द पोटेंशियल इनसाइड टू बी जीरो पोटेंशियल आपके पास क्या है इनसाइड टू बी जीरो है uh, तो आपके पास क्या हो जाएगा ए मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द फर्मियंस यार्ड्स द रिजल्ट द डिजेनरेसी ऑफ द एनर्जी स्टेट ये बतानी है ये एनर्जी आपको गिवन है ठीक है तो आपके पास टू डायमेंशन में एनर्जी कितनी होती है एनर्जी कितनी होती है टू डायमेंशन में e इक्वल टू कितनी होती है सिक्सटी फाइव ये तो दे रखी है अपने को पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर टू एम एल स्क्वायर ठीक है ये आपके पास दे रखी है और वैसे टू डायमेंशनल में एनर्जी कितनी होती है ये आपके पास होती है एनएक्स का स्क्वायर प्लस एन वाई का स्क्वायर ठीक है और आपके पास पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ये आपके पास टू एम एल स्क्वायर ये वैल्यू होती है कंपैरिजन करवा दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और सेकंड से कंपैरिजन करवाओ अब फर्स्ट को सेकंड से कंपैरिजन करवाया तो आपके पास क्या हुआ सिक्सटी फाइव इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर ठीक है एनएक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर ये आपके पास ये है ठीक है अब अब आपके पास अपन को इसको सेटिस्फाई करवाना है तो कितने आपके पास एक ही स्टे कितनी डिजनरेसी होगी मतलब आपके पास कितनी डिजनरेसी होगी वो आपके पास एनएक्स और एन वाई की वैल्यू कितनी होगी जिस पे आपके पास एनर्जी सेम रहेगी एनर्जी की वैल्यू सेम रहेगी परंतु आपके पास वेव फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं ठीक है एनर्जी की कितनी एनर्जी स्टेट होंगी जिस पे एनर्जी सेम रहेगी तो सिक्सटी फाइव से कंपेरिजन करवा दीजिएगा तो आपके पास एक तो एनएक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी एट हो जाएगी और एन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी ठीक है ये आपके पास पहला कॉम्बिनेशन हो गया इसको मिटा देते हैं इस तरफ को चलो ऊपर लिख देते हैं ठीक है तो ये देखिएगा ये ले लो वन ले, ले लो इसके बाद में आपके पास एट एट इसमें रखोगे तो एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर ये वन तो आपके पास सिक्सटी फाइव हो जाएगा ठीक है इसके बाद में आपके पास नेक्स्ट है एनएक्स की वैल्यू कितनी लेनी है सेवन ठीक है और एन वाई की वैल्यू ले लो फोर ठीक है तो ये आपके पास क्या है फोर्टी नाइन प्लस सिक्सटीन ठीक है फोर्टी नाइन प्लस सिक्सटीन कितना हो जाएगा आपके पास ये आपके पास वापस से कितना हो जाएगा सिक्सटी फाइव ठीक है ये वापस से कितना हो जाएगा सिक्सटी फाइव हो जाएगा ठीक है ये सिक्सटी फाइव हो जाएगा फिर से आपने वैल्यू ले लो एन वाई की वैल्यू फोर ले लो एन एन एक्स की वैल्यू कितनी ले लो सेवन ले लो तब भी आपके पास कितना हो जाएगा सिक्सटी फाइव हो जाएगा और कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे सिक्सटी फाइव के चार कॉम्बिनेशन बनेंगे पहला कॉम्बिनेशन चार कॉम्बिनेशन बनेंगे चार आपके पास आंसर में तो क्लिक नहीं करना है अभी पूरे क्वेश्चन को समझना है ठीक है क्योंकि ईजी नहीं होता है ठीक है तो देखिएगा ए फर्म्यून ऑफ मास इन टू डायमेंशनल तो है आपके पास तो फर्मियन क्या करता है पाउली एक्स, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो करता है ठीक है तो उसमें पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के थ्रू ही आपके पास spdf spdf तो उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन किया जाता है ठीक है तो अब आपके पास क्या होता है फर्मियंस होते हैं तो फर्मियंस का जो कर, जो आपके पास पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो करता है अपने जो डिजनरेसी होगी उसके लिए होगी 2s 1 और अपने पास कितने कॉम्बिनेशन आए फोर कॉम्बिनेशन आए ये आपके पास फोर कॉम्बिनेशन आए और फर्म्योन्स होते हैं तो आपके पास जो स्पिन होती है ए स्पिन होती है कोई भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन ली जाए वो आपके पास क्या होती है हाफ होती है ठीक है ये हाफ होती है स्पिन तो इसमें हाफ पुटअप करो तो आपके पास टू मल्टीप्लाई हाफ प्लस वन ठीक है ये मल्टीप्लाई फोर हो जाएगा तो ये आपके पास टू से टू कैंसिल वन प्लस वन फोर ये आपके पास टू मल्टीप्लाई फोर ये आपके पास एट हो जाएगा बहुत से जने ये करके आए थे आपके पास रोंग ऑप्शन है तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन एट होगा ठीक है इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास एट होगा इसमें जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो एट होगा ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा नोट कर लीजिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपके पास तो इसको खुद एक बार खुद करने का प्रयास कीजिएगा फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं ठीक है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी ये भी आपके पास टी एफ आर के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन कर देते हैं अपन ठीक है इसका जो सॉल्यूशन है वो कर देते हैं तो देखिएगा किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा <coughs> यहां के पास है थ्री नॉन इंट्रैक्टिंग पार्टिकल्स हुज आर इन द रेशियो ऑफ वन रेशियो फोर रेशियो सिक्सटीन रेशियो आर प्लेस्ड टूगेदर इन द सेम हारमोनिक ऑक्सीटर पोटेंशियल ठीक है द डिजनरेसी ऑफ द फर्स्ट थ्री एनर्जीज एनर्जी स्टेट्स ऑर्डर्ड बाय द इंक्रीजिंग एनर्जी ठीक है तो विल बी किस तरीके से गिवन होगी वो अपन को कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले अपन हारमोनिक ऑक्सीटर के बारे में क्या जानते हैं उसकी एनर्जीज क्या होती है इसने बोला है कि इसने बोला डी जन निकालनी है फर्स्ट थ्री एनर्जी स्टेट की एन निकालनी है फर्स्ट थ्री की निकालनी है तो एन इक्वल टू जीरो एन इक्वल टू वन एन इक्वल टू टू के लिए ठीक है और आपके पास थ्री नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं और जिसके मासजन फोर रेशियो सिक्सटीन दे रखा है और हारमोनिक ऑक्सीटर दे रखा है ठीक है तो थ्री डायमेंशनल हारमोनिक ऑक्सीटर लग रहा है मुझे ये ठीक है तो ये आपके पास जो आपके पास थ्री नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स है ना वो रखें तो आपके पास जो इसकी एनर्जी होती है वो आपके पास क्या होता है ई एन क्या होता है एन एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा ठीक है ये होती है आपके पास वन डायमेंशनल ही है क्योंकि नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स गिवन है यहाँ पर केवल ठीक है तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा ई एन निकालना चाहें तो आपके पास क्या हो जाएगा एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा वन क्योंकि आपके पास मासज अलग है तो आपके पास उस उनसे रिलेटेड फ्रिक्वेंसी होगी वो भी अलग होगी ठीक है तो मैं उनकी फ्रिक्वेंसी क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पर अलग कर देता हूँ इस तरीके से क्या हो जाएंगे आपके पास उनकी फ्रिक्वेंसी अलग हो जाएगी इस तरीके से अपन क्या कर देंगे फ्रिक्वेंसी को अलग कर देंगे ठीक है ओमेगा थ्री अब ओमेगा वन ओमेगा टू और ओमेगा थ्री की अपन को वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ओमेगा बराबर क्या होता है आपके पास रूट के अपॉन एम ये होता है तो वन रेशियो फोर रेशियो सिक्सटीन है तो ओमेगा वन में एक का रेशियो है तो यहां पर एक मासेज हो गया और ओमेगा टू निकाल, तो निकाल, निकाल लू तो आपके पास क्या निकाल लू ओमेगा टू को ओमेगा वन की फॉर्मेट में निकाल लेता हूं ठीक है के अपॉन एम की किसकी वैल्यू है के अपोन एम ओमेगा ओमेगा वन बराबर रूट के अपॉन एम के अपोन एम की वैल्यू क्या आपके पास ओमेगा वन है तो ओमेगा टू क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा वन बाई टू हो तो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो ओमेगा थ्री निकालते हैं तो ओमेगा थ्री कितना हो जाएगा रूट के अपोन सिक्सटीन एम ठीक है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ओमेगा वन अपोन ये आपके पास कितना हो जाएगा सिक्सटीन भार गया तो ये आपके पास फोर हो जाएगा ठीक है ये आपके पास सारी वैल्यूज ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा, ओमेगा थ्री की वैल्यू पुटअप कर दो नॉन इंट्रैक्टिंग पार्टिकल है तो उनके जो पार्टिकल्स की एन एक्स डायरेक्शन एन वाई डायरेक्शन एन जड डायरेक्शन अलग अलग होगी ठीक है ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री की वैल्यू रख दो ओमेगा वन के जो आपके पास स्ट्रम है उसमें रखा है अपन ने ठीक है तो आपके पास जो ई एन की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपके पास ये आपके पास हो जाएगी एन एक्स प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा वन की वैल्यू तो ओमेगा वन ही रखूंगा मैं ये देखिएगा ओमेगा वन ही रखूंगा और प्लस एन वाई प्लस हाफ ओमेगा टू की वैल्यू अपन को क्या रखेंगे एच क्रॉस और ओमेगा टू की वैल्यू ओमेगा वन बाई टू ठीक है नेक्स्ट आपके पास एनजेड एनजेड प्लस हाफ और यह आपके पास कितनी वैल्यू हो जाएगी आपके पास हो जाएगी प्लस आपके पास हो जाएगी ओमेगा वन बाई फोर। ये पास इक्वेशन नंबर टू या आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट ठीक है नोट कीजिए फिर अपन आगे चलते हैं देखिएगा अब आगे अपन चल रहे हैं या अपन को क्या करना है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो ठीक है बस और कुछ काम नहीं है अपन को अंदर मल्टीप्लाई करवाने वाला काम है ठीक है इतनी बात समझ में आ गई तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकालना है ठीक है यह बात मैं को मिटो के बताऊंगा किस तरीके से अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकालेंगे देखिएगा किस तरीके से अपन इसको क्या निकालते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकालते हैं ठीक है तो अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए सबकी तो आपके पास ये ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास हो जाएगी एनएक्स एनएक्स प्लस हाफ ठीक है एचक्रोस ओमेगा वन ठीक है प्लस एन वाई एन वाई और यहां पर टू के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो एन वाई टू प्लस हाफ और अंदर टू की मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये फोर हो जाएगा ठीक है ये एच क्रॉस ओमेगावन ठीक है एच क्रॉस ओमेगावन इसी तरीके से अपन आगे चलेंगे एनजड बाई फोर ये आपके पास बाई फोर हो जाएगा अपौन में बट्टे में क्या चला जाएगा फोर चला जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा वन वन अपन ये आपके पास एट हो जाएगा वन बाई टू मल्टीप्लाई वन बाई फोर एट हो जाएगा ये एच क्रॉस भूल गए यहां पर ठीक है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ये आपके पास एच क्रॉस ओमेगावन एच क्रॉस ओमेगावन सब में से कॉमन ले लो तो आपके पास ये ई एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये आपके पास हो जाएगी एनएक्स प्लस एन वाई बाई टू एन जेड बाई फोर तो ये आपके पास वन बाई टू या आपके पास वन बाई फोर वन बाई एट या आपके पास एच क्रॉस ओमेगा वन ठीक है अब आपके पास यहां से वैल्यू निकाल दीजिए ई वन इक्वल टू एनएक्स प्लस एन वाई बाई टू एनजेड बाई फोर वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास वन बाई एट एच ओमेगा वन नोट कीजिए फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं यहाँ देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन ऑप्शन तो रखने पड़ेंगे अपन को पास में ठीक है तो कौन सा करेक्ट होगा वो भी पता करना पड़ेगा तो आपके पास ई एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर आपके तो पास हो जाएगा एट एलसीएम लिया तो ये आपके पास कितना हो जाएगा ये टू टाइम्स और टू टाइम्स ऊपर जाएगा सिक्स प्लस वन यानी सेवन बाई इसकी जो वैल्यू होगी सेवन बाई एट हो जाएगी ठीक है तो यहाँ के पास nx प्लस एन वाई बाई टू एन वाई बाई टू एनजेड बाई एनजेड बाई फोर प्लस एनएक्स प्लस एन वाई बाई टू एनजेड बाई फोर पास सेवन बाई एट ठीक सेवन बाई एट एच क्रॉस ओमेगा वन अब वैल्यू पुट अप करनी है और कुछ नहीं करना डिजनरेसी फर्स्ट थ्री स्टेट की निकालनी है अपन को ठीक है फर्स्ट थ्री स्टेट की डिजनरेसी निकालनी पड़ेगी कितनी होगी ठीक है नोट कर लीजिएगा ठीक है अब आगे देखिएगा अब मैं मिटो दूँ भाई ये चीजें से भी मिटो देता हूँ ठीक है बस ये अपने पास एनर्जी का फॉर्मेट यही चाहिएगा और कुछ नहीं चाहिए उनको, को ठीक है तो ये देखिएगा देखिए नेक्स्ट चलते हैं अपन इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो अब देखिएगा सबसे पहले सबसे पहले ग्राउंड स्टेट निकालते हैं ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालते हैं ग्राउंड स्टेट की क्या निकालते हैं एनर्जी निकालते हैं तो देखिएगा ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट क्या होगा आपके पास ग्राउंड स्टेट जीरो 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 पे होगा तीनों की वैल्यू जीरो कर दो भाई तीनों की वैल्यू जीरो करोगे तो क्या वैल्यू आएगी सेवन बाई एट एनर्जी क्या आएगी सेवन बाई एट एच क्रॉस ओमेगा ये पहली डी जनरेसी गई यानी पहला आपके पास वन होगा ठीक है नेक्स्ट आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकालनी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड स्टेट देखिएगा किस तरीके से निकालेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अब देखो मैं वैल्यू कहां वन रखू इसमें एन एक्स एन वाई एनजेड की जगह मैं कहां पर वैल्यू क्या रखू वन रखू कहां पर वैल्यू वन रखू जो मिनिमम एनर्जी आए अपने पास ठीक है ये ऑर्डर इंक्रीजिंग का ऑर्डर बने अपने पास एनर्जी का इंक्रीजिंग का ऑर्डर बने अगर मैं यहाँ जीरो रख दूँ और यहां पर भी जीरो रख दूँ यहां पर वन बाई फोर आएगा और यहां पर अगर मैं वन रखता हूँ तो वन बाई टू आता है और यहां पर वन रखता हूँ तो केवल वन आता है तो सबसे कम कौन सा है इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए अपन को क्योंकि अगर ये सेवन ये बाई एट इसमें से किसी में जुड़ेगा थोड़ा इंक्रीज होगा कोई एनर्जी क्या होगी इंक्रीज होगी वो आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आएगी तो वन वन बाई टू वन बाईर में सबसे छोटा है वन बाई फोर है तो वन बाई फोर प्लस सेवन बाई एट करेंगे तो सेवन बाई एट करेंगे तो ये आपके पास एट हो गया और आपके पास क्या हो गया यहाँ पर टू टाइम्स ये न, सेवन ये आपके पास नाइन बाई एट हो जाएगा ठीक है तो आपके पास नाइन बाई एट हो जाएगा यानी मैं जड की जगह वन रखूंगा जड की जगह क्या रखूंगा वन रखूंगा तो ये आपके पास नाइन बाई एट एच क्रोस ओमेगा वन ये आपके पास वन हो गया तो ऑप्शन तो मिल ही गया इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए ऑप्शन आपके पास क्रिएट होने जा रहा है नेक्स्ट आपके पास थर्ड थर्ड अपन को निकालनी है एनर्जी स्टेट निकालनी है तो आपके पास नेक्स्ट आपके पास कहाँ रख सकते हो वन यहां पर वन रख सकते हो जीरो वन जीरो थोड़ी सी और इंक्रीज होगी एनर्जी ठीक है एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये आपके पास ये जीरो होगा ये जीरो होगा ये हाफ होगा और ये आपके पास सेवन बाई एट होगा ये आपके पास हाफ होगा ये जीरो होगा ये जीरो होगा ये आपके सेवन बाई एट होगा ठीक है तो ए, ए, ए ले लोगे तो पर ये आपके पास तो सेवन होगा इलेवन बाई एट एच क्रॉस ओमेगा और देख लीजिए ठीक है ये आपके पास क्या हो गया इतनी वैल्यू आ गई है अब नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपके पास डिजेनरेसी और देखनी है अपन को ठीक है और देखो इसकी जगह वन रख दो वन प्लस अब वन रखोगे तो इसकी जगह वन प्लस सेवन बाई एट तो ये आपके पास एट प्लस सेवन अपॉन एट ये तो फिफ्टीन बाई एट हो गया ये बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई अपने पास थोड़ा इनके बीच में रखो तो दो रखते हैं अपन दो रखते हैं और दो अपन कहाँ पर रखते हैं दो अपन सबसे लास्ट में रखते हैं क्योंकि यहाँ पर दो सबसे लास्ट में रखेंगे तो एनर्जी क्या आएगी मिनिमम आएगी तो दो बाई फोर प्लस वन बाई एट तो के पास वन बाई टू प्लस वन बाई एट तो वन बाई टू वन बाई एट क्या हो गया इलेवन बाई एट एच ओमेगा वन ठीक है तो आपके पास क्या हो गया जीरो जीरो दो ठीक है यही एनर्जी आएगी इसकी भी तो ये आपके पास यहनरेसी कितनी हो गई आपके पास टू हो गई तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो गया ठीक है नोट कर लीजिएगा नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर अपन करते हैं अब ठीक है तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर है किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं ये देखिएगा ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्लेस्ड इन ए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीटर ठीक है एक वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीटर है उसमें पुट अप किया गया है जिसका आपके पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये आपके पास दे रखा है क्या दे रखा है पोटेंशियल uh, दे रखा है ठीक है एट इक्वल टू जीरो पे इट्स वेव फंक्शन इज साइन एक्स तो t इक्वल टू जीरो पे वे फंक्शन साइन x दे रखा है at t इक्वल टू टू पाई अपॉन ओमेगा इट्स वे फंक्शन विल बी तो वे फंक्शन कितना होगा अपन को कैलकुलेट करना है ठीक है तो देखिएगा किस तरीके से निकालते हैं तो आपके पास साइन x इक्वल टू जीरो पे कितना दे रखा है ये आपके पास साइन x दे रखा है ठीक है साइन x और टाइम कितना दे रखा है कितने टाइम पे निकालना है टू पाई बाई ओमेगा ये अपन को कैलकुलेट करना है या आपके पास एक ऑपरेटर लगाते हैं ये आपके पास होता है cross, है आयोटा एच एच टी ठीक ये अपन क्या लगाते हैं ऑपरेटर लगाते हैं ठीक है माइनस आयोटा हेमिल्टोनियन एच अपोन एच क्रोस जो आपके पास टी पे वेव फंक्शन निकल के आए ये आपके पास साइन एक्स हो जाएगा ठीक है और एच यानी हेमिल्टोनियन यानी एनर्जी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीटर है तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा टी अपॉन एच क्रॉस साइन एक्स ठीक है ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास अब आगे इसको सॉल्व करें तो एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल हो गया तो ई की पावर माइनस आयोटा एन प्लस हाफ ओमेगा आगे टी साइन एक्स ये वैल्यू हो गई अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे नेक्स्ट अपन इसको करते हैं आगे सॉल्व तो आपके पास क्या बनेगा ई की पावर माइनस आयोटा या पास एन और ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को टी की वैल्यू दे रखी है की वैल्यू कितनी दे रखी है ये वैल्यू करते, है, तो करते हैं ठीक है हाफ तो ई की पावर माइनस आयोटा एन प्लस हाफ एन प्लस हाफ ठीक है एन प्लस हाफ आपके पास टू तो पाई या टू पाई को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो ई की पावर माइनस आयोटा टू पाई एन इस टू पाई को यहां पर मल्टीप्लाई कराओगे तो ई की पावर माइनस आयोटा और ये टू पाई टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ के पास क्या बन जाएगा पाई ये बनेगा ना हम्म बिल्कुल यही बनेगा और साइन एक्स बाहर आ जाएगा और यहाँ के पास क्या हो जाएगा साइन कितने पे वैल्यू है ये एक्स ये टू पाई अपॉन ओमेगा पे वैल्यू अपन को पता पड़ गई ठीक है अब इसकी और इसकी वैल्यू निकाल देते हैं आपका सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन का तो ई की पावर माइनस आयोटा टू पाई ये आपके पास एन माइनस आयोटा टू पाई एन इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कोस टू पाई एन ठीक है और माइनस आयोटा साइन ये फॉर्मूला लगेगा ना इ की पावर कोस एक्स प्लस माइनस आयोटा साइन एक्स ये वाला फॉर्मूला आपके पास क्रिएट हो जाएगा टू पाई एन तो टू पाई पे कितनी कोई भी वैल्यू हो ये जीरो होती है या आपके पास वन होती है ठीक है नेक्स्ट है आपके पास ई की पावर माइनस आयोटा पाई ये वैल्यू रखोगे तो कोस पाई माइनस आयोटा साइन पाई तो ये आपके पास पाई की तो वैल्यू जीरो होती है ये आपके पास कितनी होती है माइनस वन होती है तो इसकी वैल्यू माइनस वन हो जाएगी ठीक है तो आप देखिएगा इसकी वैल्यू वन इसकी वैल्यू माइनस वन ये आपके पास साइन एक्स तो वैल्यू साइन एक्स की कितनी आ जाएगी माइनस साइन एक्स आ जाएगी ठीक है माइनस साइन एक्स साइन एक्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी रिजल्ट आपके पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा ठीक है यहां पर जो करेक्ट होगा ऑप्शन वो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये भी आपके पास टी आई एफ आर का क्वेश्चन है ठीक है नोट कर लीजिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं डियर स्टूडेंट इस वीडियो में अपन इतना ही डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो ऐसे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू